छत के नीचे सभी आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइनल सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज, गरीब मरीजों के लिए विशेष सुविधा, सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर, डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक के सर्राफ हड्डी नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका वी सर्राफ स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ, DMCH के सामने लहरिया सराय। देश के प्रसिद्ध संस्थानों में अपनी सेवा दे चुके विशेषज्ञ शिक्षकों की टीम के साथ आइडियल पार्क इंस्टीट्यूट आइडियल फिजिक्स के प्रसिद्ध शिक्षक इंजीनियर के सर द्वारा संचालित आइडियल पार्क इंस्टीट्यूट में IIT नीट इंजीनियर और डॉक्टर्स की टीम है। सीनियर सेक्शन में 11th 12th मेडिकल नीट एंड इंजीनियरिंग IIT JEE की तैयारी कराई जाती है। 12th पास स्टूडेंट के लिए स्पेशल टारगेट बैच की व्यवस्था है। जूनियर सेक्शन में क्लास 7th 8th 9th 10th NTSE KVPY ओलंपियाड के साथ साथ मेडिकल एंड इंजीनियरिंग के फाउंडेशन की तैयारी कराई जाती है। एड नियर नाका नंबर 5 अपोजिट उमा सिनेमा फर्स्ट फ्लोर ऑफ गोरा डिजाइनर दरभंगा कॉन्टैक्ट 9308296082 कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल। कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल। कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल रसूलपुर अललपट्टी नियर रेलवे गुमती। आवर साइलेंट फीचर्स स्पेशल अटेंशन टू स्मॉल किड्स अ को एजुकेशन फ्रॉम क्लास नर्सरी टू क्लास टेंथ। फ्रॉम क्लास नर्सरी टू क्लास टेंथ बेस्ट एजुकेशन CBSE पैटर्न इन इंग्लिश मीडियम। डेडिकेटेड एंड डिवोटेड टीम ऑफ टीचर्स हु विल लीव नो स्टोन अनटर्नड टू मेक योर वर्ल्ड अ कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल मैन। रेसिडेंशियल कम डे स्कॉलर्स कंप्लीट इंग्लिश एनवायरनमेंट एनरिच्ड लाइब्रेरी साउंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ऑल वायबल रूट्स एट मिनिमम कॉस्ट प्ले वे मेथड फॉर किड्स एक्स्ट्रा करिकुलम योगा आर्ट एंड क्राफ्ट म्यूजिक एंड डांस क्लासेज रिमेडियल क्लासेज टीचिंग थ्रू वेल एक्सपीरियंस्ड एंड ट्रेंड टीचर स्पेशल स्ट्रेस ऑन गुड हैंड राइटिंग एंड डिसिप्लिन वेल मैनेज्ड लाइब्रेरी हैविंग गुड स्टॉक ऑफ डिफरेंट पब्लिकेशन बुक्स एक्स्ट्रा क्लासेज ऑन सोशल एंड मोरल बिहेवियर फॉर मेकिंग देम नॉट ओनली सक्सेसफुल बट ऑल्सो अ गुड ह्यूमन बींग Where learning is the passion, short time, big difference. You have just taken your first step to a successful career. Hurry up, admission is going on. If you need true education, then register your ward at Captain International School. Captain International School, jiska mobile number hai 9525022820. एवं दूसरा मोबाइल नंबर है 8969686343। आज ही आइए और आज ही अपने प्यारे दुलारे बच्चों का नामांकन इस आवासीय सह दिवसीय विद्यालय कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल रसूलपुर में अवश्य करवाइए। जलस्तर नीचे गिरने से उत्पन्न जल संकट से जूझ रहे लोगों की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इसके अस्थाई समाधान के लिए कोई भी प्रक्रिया गति नहीं पकड़ रहा, जिससे लोगों को उत्पन्न पेयजल संकट अब तो भविष्य की चिंता भी सताने लगी है। यदि ससमय उत्पन्न पेयजल संकट का अस्थाई निदान सरकार द्वारा नहीं किया गया तो क्षेत्र के लोग ही नहीं बल्कि शहर से लेके ग्रामीण इलाके तक के लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस जाएंगे और यही हाल हो भी रहा है। पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक जल संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा। साधन संपन्न लोग अहले सुबह या देर रात मोटर चलाकर पानी टंकी को भर लेते हैं, लेकिन इसमें भी काफी समय लगता है और बिजली की खपत अलग होती है। आर्थिक रूप से कमजोर लोग जाए तो जाए कहाँ। यह किसी फिल्म की तस्वीर नहीं,
ना ही किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है, बल्कि यह पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। एक झुंड में एक साथ पानी के लिए निकल चले हैं। किसी के हाथ में बाल्टी, कोई लिए हुए है डब्बा और कर रहे हैं प्रशासन से गुहार, पानी दो। वार्ड नंबर 4 सुंदरपुर मोहल्ला वासी हैं, जो हाथों में बाल्टी लेकर और सड़क पर उतरकर पानी की एक एक बूंद के लिए सरकार से ही लेकर जिला प्रशासन से, नगर निगम के प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि पानी दो। आर्थिक रूप से कमजोर लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। ना नहाना है, ना खाना है, ना पीना है, कुछ भी नहीं। पानी के बगैर कुछ भी संभव नहीं। उनके चापाकल ने पानी देना बंद कर दिया है। ऐसे लोगों के लिए सरकारी स्तर पर नल से आपूर्ति किया जाने वाला जल ही जीवन का एकमात्र सहारा था, लेकिन शहरी क्षेत्र में हर घर नल का जल का हाल भी खास्ता है। कई इलाके में अभी भी पाइपलाइन पाइप में भी अटका हुआ है। वहीं सरकारी स्तर पर जो विशेष प्रकार के चापाकल गाड़े भी गए थे, उनमें से भी अधिकांश सिर्फ दिखावे बनकर रह गए हैं। कुछ इलाकों में लोग घंटों नल से जल आने की प्रतीक्षा में लगे रहते हैं। जब वह भी नहीं टपकता है तो सड़क पर उतरकर हंगामे पर उतर आते हैं। करे भी तो करे क्या, जाए भी तो जाए क्या, खाए बिना रहा जा सकता है, लेकिन बिन पानी के नहीं रहा जा सकता। हम लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। आज 10 दिन से हम लोग नहा नहीं रहे हैं। खाना बनाने के लिए पानी हम लोग दूसरे तीसरे मोहल्ला में जाके पानी खाना बनाने के लिए मांग के लाते हैं, फिर भी लोग झंझट करता है, पानी नहीं दे रहा है। पानी नहीं देता है, झंझट करता है, पानी कोई नहीं देता। बच्चा बच्चा के लिए पानी के लिए तरस गया है। गंदा पानी हम लोग बच्चा को पिला कर रखे हैं 4-5-6 दिन से, एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। जी क्या सरकार की योजनाएं थी घर घर जो है नल देने की? नीतीश जी कई बार घोषणा किए थे स्वच्छ पानी देंगे, नल देंगे, पानी का आज जो समस्या है बहुत ज्यादा है और पानी का लेवल बहुत नीचे चला गया है। हर आदमी को जो है 4-5 दिन नहाने के लिए हो जाता है, खाना बनाने के लिए तकलीफ है, नहाने के लिए तकलीफ है। इसीलिए हमारे जितने भी जनता है उसका ये डिमांड है कि घर घर जो है PWD का नल का कनेक्शन दिया जाए, जिससे पानी जो है लोगों को मिले और अपना जो है जीवन यापन सही से करे। पानी का बहुत सबसे ज़्यादा दिक्कत हो गया हुआ है। इसीलिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री, वार्ड काउंसलर, विधायक जी से आग्रह करते हैं कि पानी की समस्या को जल्दी से जल्दी निपटारा किया। जलस्तर 187 फीट से नीचे चला गया, चापाकल नाकाम हो गए, 1 HP का बोरिंग भी काम नहीं कर रहा और 2005 में शुरू हुआ पाइपलाइन बिछाने का काम आज तक पूरा नहीं हुआ। नगर निगम ने एक नायाब कोशिश की कि नियंत्रण कक्ष खोला, सुविधा केंद्र खोला गया ताकि लोगों को टैंकर के माध्यम से पानी पहुंचाया जाए, लेकिन 5 टैंकर क्या ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है यह शहर के लिए? 5 टैंकर और 48 वार्ड कहां तक संभव होगा? अधिकांश वार्ड सूखे की चपेट में है, अधिकांश वार्डों का नल सूख चुका है, पानी नहीं निकल रहा, बूंद बूंद के लिए पानी के लिए तरस रहे हैं लोग। तो नगर निगम 5 टैंकर से कितने दूर तक किन क्षेत्रों में पानी पहुंचाए? वार्ड नंबर 4 में पानी की स्थिति बहुत दयनीय है, त्राहिमाम स्थिति बनी हुई है। एक बूंद पानी पीने के लिए नहीं है, 1 सप्ताह 10 दिन से कोई स्नान नहीं किया। दूसरे वार्ड से, दूसरे जगह से पानी लाना पड़ता है। बुडको को अगर कहा, बुडको को के एक्सक्यूटिव इंजीनियर को कहा गया है
तो वो कह रहे हैं कि पीएचडी के स्कूटी में इंजीनियर करेंगे, और पीएचडी को कहा गया है तो वो कह रहे हैं बुटकों के स्कूटी में इंजीनियर करेंगे, नगर निगम करेंगे, और थोड़ा भी पानी नहीं है, विकट स्थिति है। यहाँ के महापौर द्वारा कोई भी कारगर कदम नहीं उठाया जा रहा है, पानी की त्राहिमाम स्थिति है। मैं स्थानीय वार्ड पार्षद से, महापौर से, विधायक से ये कहना चाहूँगा कि वार्ड नंबर 4 में जो ये विकट स्थिति बना हुआ है सुंदरपुर कालेगंज में, उस समस्या का पानी का निदान यथाशीघ्र करे, और जल्द से जल्द पाइपलाइन बिछा के हरेक घर में नल जल योजना के अंतर्गत पानी देने का काम करे। नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन में उतरेंगे, रोड जाम करेंगे, नगर निगम में जाएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो दरभंगा डीएम का भी घेराव करने का काम। वार्ड 4 में त्राहिमाम की स्थिति है, वहां की आक्रोशित जनता अब धरने पर उतर आई है, कह रही है अगर पानी नहीं मिला, अगर नगर निगम ने पानी नहीं दिया तो विधायक तक जाएंगे, सांसद तक जाएंगे, नहीं हुआ तो जिला अधिकारी तक का घेराव करेंगे। बहुत दिक्कत है भैया, पानी की इतना प्रॉब्लम है, आलू धोते हैं उसका पानी जमा करते हैं, चावल धोते हैं उसका पानी जमा करते हैं, हाथ धोने के लिए पानी मुश्किल है, कुल्ला करने के लिए पानी मुश्किल है, बहुत तबाही। सुंदरपुर तो एकदम हाहाकार मच गया है, बच्चा पानी के लिए तरस रहा है, पानी टंकी भी वहाँ भी एकदम लेते, बच्चे पानी के लिए पूरा तरस रहा है, एकदम इतना तबाही हालत है, खाना पीना मुश्किल है भैया। ये जो आप खुद को तो समझा लेंगे, बड़े बुजुर्ग समझ जाएंगे कि पानी नहीं आ रहा, लेकिन बच्चों का क्या, उनकी हालत कौन बुझाएगा, कौन उन्हें पानी देगा। यह एक गंभीर समस्या है और इस पर मंथन करने की आवश्यकता है। हमारे वार्ड के जनता त्राही त्राही हो रहे हैं, उस पर कोई नजर नहीं दे रहे हैं, इस पर अविलंब नजर दिया जाए और हम लोग वार्ड के सलूशन किया जाए। आपके घर के बगल में पीएचडी द्वारा जो पानी टंकी लगा हुआ था, क्या उसे नाम के लिए लगा हुआ है, क्या एकदम नाम क्या है, काम कुछ नहीं हो रहा है, काम कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ नाम का है, किसी प्रकार का किसी का फायदा नहीं हो रही है। पॉकेट में कमीशन मिल गया। हालांकि जिलाधिकारी द्वारा जिला के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आसन्न जल संकट की लगातार समीक्षा की जा रही है, नगर निगम क्षेत्र में पानी की समस्या को देखते हुए टाटा 407 गाड़ी में 2000-3000 लीटर का टंकी लगाकर जरूरतमंद वार्डों में पानी की आपूर्ति कराने हेतु निर्देश दिया गया है। नगर आयुक्त द्वारा भी कहा गया है कि नगर निगम प्रशासन द्वारा 12 अतिरिक्त पानी के टैंकर से पानी की आपूर्ति की जा रही है। जिलाधिकारी के द्वारा जलापूर्ति कार्य की समीक्षा किए जाने पर प्रतिदिन 22 और पानी के टैंकर की आवश्यकता महसूस की गई। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने तत्काल इसकी संख्या बढ़ाकर 30 टैंकर से पानी की आपूर्ति करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि जरूरतमंद वार्डों में तेजी से स्टैंड पोस्ट लगाने का कार्य चल रहा है। उन्होंने कार्यपालक अभियंता PHED को 4 दिनों के अंदर बाकी 110 स्टैंड पोस्ट लगाने का कार्य पूरा कर प्रतिदिन प्रतिवेदन देने हेतु निर्देशित किया है। वहीं नगर निगम क्षेत्र में 1.5 इंच वाले पुराने चापाकलों में सिलेंडर लगाकर इसकी गहराई बढ़ाने का कार्य हेतु जिलाधिकारी द्वारा PHED को निर्देश दिया गया। इस दिशा में ग्रामीण क्षेत्रों में 4 चापाकल की कन्वर्जन किया गया है और 10 चापाकलों की मरम्मती कराई गई है। उन्होंने कहा कि जिला में जल संकट को देखते हुए पूर्णिया एवं गोपालगंज से पलम्बर मिस्त्री की टीम आई हुई है, जिससे शहरी क्षेत्र में तेजी से खराब चापाकलों को चालू कराने का कार्य कराने का निर्देश दिया गया। नल जल योजना के तहत गाड़े गए बोरिंग से पाइपलाइन के जरिए नियमित पानी की आपूर्ति कराने के लिए भी कहा गया। रमजान के महीना को देखते हुए जरूरतमंद वार्डों में टैंकर से नियमित जलापूर्ति कराने का निर्देश दिया गया। वीरेंद्र कुमार के साथ सरफराज आलम, BTN न्यूज।
जिलाधिकारी द्वारा शहरी सुरक्षा तटबंध एकमी का निरीक्षण किया गया और निम्न निर्देश दिए गए। कमजोर प्वाइंट की तुरंत मरम्मति कराने, पर्याप्त मात्रा में बालू का बैग एवं एमसी का भंडार करने का निर्देश, सभी एई जेई को बाढ़ के दौरान प्रतिनियुक्ति स्थल पर उपस्थित रहने का निर्देश, अनुपस्थित पाए जाने पर कठोर अनुशासनिक कार्रवाई होगी। तटबंध के सभी क्षतिग्रस्त भाग रेनकट एवं रेट होल की पहचान का मरम्मति का कार्य 15 जून से पहले पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। एक्शन के लिए आज दर्ज करके बांध का मजबूती का आज जांच हो रही है। बांध में कहीं भी अगर कुछ दिक्कत हो या कुछ कमजोर हो गया तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए कार्रवाई बाढ़ सीजन के पूर्व करने को तेजी से की जा रही है। इसमें दाहिने तरफ बांध और बाएं तरफ बांध पूरा निरीक्षण की जाए। इस तरह का कितने तैयार किए जा रहे हैं? देखिए, शहरी सुरक्षा बांध का निरीक्षण मेरे स्तर से हो रहा है। सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी भूमि सुधार समाहर्ता को निर्देश दिया है कि अपने अपने क्षेत्र का बांधों को भी निरीक्षण अपने स्तर से करें। सरफराज आलम, बीटीएन न्यूज। गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी किस प्रकार से बेहतर सेवा प्रदान किया जाए, जन स्वास्थ्य संबंधी बातों को लेकर क्षेत्रीय अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवा डॉक्टर बबन कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। चल रहा है लक्ष्य प्रोग्राम का रिव्यू हम लोग कर रहे हैं। क्या कुछ लक्ष्य है इसमें? क्या कुछ लक्ष्य है? अभी तो हम लोग लेबर रूम में फोकस कर रहे हैं, क्या उस पर आउटकम हो रहा है, क्या हम लोग सर्विस दे रहे हैं, क्या गैप हो रहा है, क्या क्या दिक्कत आ रही है, उसी पर हम इसमें हम लोग हर एक तीनों जिला के विसर्जन और मैनेजर और सिविल सर्जन हर एक जिला के और डीपीएम आएंगे। सरफराज आलम, बीटीएन न्यूज। छात्रों के लिए प्रेरणादायक होगा प्रथम दीक्षांत समारोह। मिल्लत कॉलेज में 27 मई को होने वाले दीक्षांत समारोह की तैयारियां जोरों पर है। विभिन्न कोषांगों ने संभाली है जिम्मेदारी। 309 विद्यार्थियों को मिलेगा प्रमाण पत्र। 16 विद्यार्थियों को मिलेगा बेस्ट ग्रेजुएट अवार्ड तथा गोल्ड मेडल। कॉलेज स्तर पर छात्र छात्राओं को दीक्षांत समारोह के माध्यम से डिग्रियां देने की नई परंपरा बिहार में प्रारंभ हुई है। इसके तहत ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जिन महाविद्यालयों को प्रारंभ में ही यह अवसर प्राप्त हुआ है उसमें मिल्लत कॉलेज का नाम भी शामिल है। प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्ला ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 27 मई को मिल्लत कॉलेज में 2015-18 बैच के सफल छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र देने हेतु दीक्षांत समारोह का आयोजन होने जा रहा। इसके लिए कई कमेटियों तथा कोषांगों का गठन कर लिया गया है तथा कमेटियों ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। उन्होंने इस सिलसिले में लगातार हो रही बैठकों तथा कमेटियों की सक्रियता की चर्चा होते हुए भी यह कहा कि कई तरह के यह आयोजन है, किसी भी कॉलेज में पहली बार होने जा रहा है तथा इसके लिए तमाम शिक्षकों, कर्मचारियों, छात्र संगठन के पदाधिकारियों, एनसीसी, एनएसएस के कार्यकर्ताओं तथा तमाम छात्र छात्राओं का भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है। यह आयोजन बेशक रमजान के पवित्र महीने में होने जा रहा है पर लोगों के उत्साह को देखते हुए लगता है कि ऐसी तैयारी पर रोजे का कोई असर नहीं। 27 मई को होने जा रहे प्रथम दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह होंगे, जबकि दीक्षांत भाषण हेतु तो मुख्य वक्ता के रूप में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार कर्नल निशीत कुमार राय, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अशोक कुमार मेहता एवं एलुमनाई के रूप में कॉलेज के पहले बैच 1959 के टॉपर छात्र रहे मोहम्मद शोहेब कैस को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। दीक्षांत समारोह में सत्र 2015-18 के विज्ञान, कला तथा भाषा साहित्य विषयों के लगभग 309 विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। वहीं अलग अलग विषयों में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले 16 विद्यार्थियों को संबंधित विषय का बेस्ट ग्रेजुएट अवार्ड तथा गोल्ड मेडल प्रदान किया जाएगा। 27 मई को 11:30 बजे
प्रथम दीक्षांत समारोह का आयोजन होना तय है। इस अवसर पर ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह मुख्य अतिथि होंगे। उनके साथ मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व कुलपति ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी एवं आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी डॉक्टर एसपी सिंह समरेंद्र प्रताप सिंह रहेंगे और मिल्लत कॉलेज के प्रथम साइंस के स्टूडेंट जनाब सुहैब कैस सीईओ वेस्ट बंगाल अथॉरिटी में कार्यरत हैं। हमारे एलुमिनी भी होंगे और गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में रहेंगे। उनके साथ साथ मिथिला यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर जयगोपाल, मिथिला यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार कर्नल निशित कुमार राय, मिथिला यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता और साथ में मिथिला यूनिवर्सिटी के तमाम पदाधिकारीगण इस अवसर पर कॉलेज में मौजूद रहेंगे। सरफराज आलम, बीटीएन न्यूज। मदर्स डे का आयोजन किया गया सेंट्रल स्कूल दरभंगा में। इस अवसर पर डॉक्टर पुनीता झा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थी। हमेशा मिलती है कि इफ वी आर मदर्स
करना है. दिस इज अ स्पेशल मैसेज फॉर द मदर्स हु आर प्रेजेंट हियर. आप लोग जो सब आए हैं, आप लोग भी अपने बिजी गृहस्थी के काम को छोड़कर और कुछ अपना समय यहाँ दी है, इसके लिए मैं आप लोग के लिए बहुत आभारी हूँ. वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज. चौक से आगे बिहार टेंट हाउस के सामने लहरिया सराय दरभंगा. डॉक्टर रूही आसमी, निसंतान दंपति विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फर्टिलिटी विशेषज्ञ. कॉन्टैक्ट 09155102102 8294979797. होली मिथिला इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन एंड रेसिडेंटल स्कूल. रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर द सीजन 2019-20. कैरियर ओरिएंटेड नेचर फार्मिंग गाइडलाइंस. अट्रैक्टिव कैंपस विथ हेल्दी इंग्लिश इन्वायरमेंट. क्लासरूम्स विथ स्मार्ट स्क्रीन्स, प्रोजेक्टर्स एंड क्लोज सर्किट कैमराज. स्पेशल क्लासेस ऑफ मॉडल एजुकेशन. स्पेशल फैसिलिटीज ऑफ फॉरिजन लैंग्वेज संस्कृत उर्दू क्लासेस. कंप्यूटर एंड साइंस लेबोरेटरीज विथ मॉडर्न इक्विपमेंट. हाईटेक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज. ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड SMS अलर्ट सिस्टम. होली मिथिला इंटरनेशनल स्कूल, खाजासराय, लहरियासराय, दरभंगा. कॉन्टैक्ट 7061845006 9234928396. दरभंगा को विकास की ओर एक कदम और ले जाने के लिए द क्रूसेड ज्वेलर्स अपनी तरह का मिथिलांचल का पहला शोरूम, जहां लोग मुफ्त में अपने गहने का कैरोमीटर से जांच कर सकते हैं. आभूषणों की नई रेंज लेटेस्ट डिजाइन के साथ उपलब्ध है. किसना और जोरवार डायमंड की लेटेस्ट डिजाइन द क्रूसेड ज्वेलर्स में खास लोअर रेंज से अपर रेंज तक की ज्वेलरी उपलब्ध है. जी रोड, कॉन्टैक्ट 9006492368. उत्पाद विभाग की टीम ने जहां एक और बहेड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत नशे में धुत तीन शराबियों को नशे की हालत में गिरफ्तार किया, वहीं दूसरी ओर लहरियासराय थाना क्षेत्र के बिलवागंज से शराब के एक धंधेबाज संजीव कुमार झा को शराब के साथ गिरफ्तार किया. उसके पास से एक बोरे में बंद 180 ml का 32 बोतल शराब बरामद किया गया. तारी दुकान पे तारी पी रहे थे. कितने दिन से इस धंधे में? कभी काल पी लेते हैं, हफ्ता में एक आध दिन पी रहे थे. और भी कुछ उसके साथ? नहीं, तारी पी रहे थे हम लोग. जी आप बताइए. सर मेरा कोई भी धामी नाम है, मेरे पिताजी के नाम पटानी धामी. सर पहली बार तारीफ. खाना कौन सा आपका? बहरी है सर, पहली बार तारीफ पीने के लिए आए थे सर. नहीं पीते हम सर. आप जी क्या कहेंगे? मामला शराब बरामद हुई है. किस स्थल पे? किसी दुकान में? जगह का नाम बता दीजिए. बिलवागंज. कौन सा दुकान था जिसमें ये धंधा चल रहा था? धंधा नहीं चल रहा था. एक आदमी रोहित नाम का आदमी था, जो सामान बोला था रखने के लिए रविवार को ले जाएंगे. किस चीज में ये? किस चीज में वो छुपा के रखे हुआ था ये? जो कौन उस में छुपा के नहीं रखे थे, वैसे ही था जैसे बोरी में रखा था. वैसे बोरा में था? हाँ. वैसे कई बोरा था? एक बोरी में था, 30x30 पीस. तो फिर कैसे यहाँ एक्साइज विभाग को सूचना मिली? फिर किस तरह से? वही कोई दुश्मनी से किया हो, कोई सूचना दी? हाँ हाँ, जरूर सूचना दिया, नहीं तो ऐसी बात नहीं. तो ये कितने दिन से कुल लोग बता रहे हैं कि काफी अरसे से ये धंधा चल रहा था? नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं. और ना आगे. सरफराज आलम, BTN न्यूज. दानी डेंटल केयर की ओर से निःशुल्क मुंह और दांत संबंधी बीमारियों का निःशुल्क उपचार किया गया, शिविर लगाकर मध्य विद्यालय में.
है, इसका इलाज होगा, टिंग लगाया और फिर टिंग लगाया पूरा दांत खुला हो जाने वाले की जो उसको खुला करने वाले की प्रॉब्लम है दरा विद्यालय लादा में डेंटल चेकअप का शिविर लगाया गया, जिसके माध्यम से यहाँ पर के बच्चे को उसे चेकअप किया गया और कुछ जिन बच्चों को बीमारी मतलब दांतों में बीमारी थी उन बच्चों को इलाज के लिए उत्तम इलाज के लिए जगह सही से डायरेक्शन दिया गया और बच्चे को ब्रश करने की तरीका सिखाई गई, क्योंकि दूर दराज क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों में बच्चों में ब्रश करने का सही जो तरीका है नहीं पता होता है, इसलिए बच्चे को बताना होता है कि बच्चे को ब्रश जो करना है वो किस तरह से ब्रश करना है और बच्चों को जागरूक करना है कि बच्चे दांतों की बीमारी के बारे में बच्चों को जागरूक करना ही हमारा उद्देश्य है। इस उद्देश्य से यहाँ पर सभी बच्चों का इलाज जांच किया गया और बच्चों को यहाँ पर फ्री में टूथपेस्ट ब्रश और दवाइयाँ बांटी गई। क्या नाम हो गया? डॉक्टर अनवर अशरफ, रॉयल डेंटल केयर, सॉरी रानी डेंटल केयर। ग्रामीण परिवेश के बच्चे लोग हैं तो कुछ ऐसी चीजें हैं दांत मुंह के अंदर जिसके बारे में ये लोग सही से जानते नहीं है कि कैसे ब्रश करना है, कितनी बार ब्रश करना है, अगर कुछ चीज जानते भी है तो कर नहीं पाते हैं। जैसे कि अगर किसी का दांत टेढ़ा है या दांत से स्मेल आता है तो वो लोग समझते हैं कि ऐसे ही, चूंकि ये प्राकृतिक है ऐसे ही होगा। यहाँ आने से बच्चों को पता चला कि ये सबसे बीमारी है जिसका इलाज संभव है। और वीरेंद्र कुमार, बीटीएन न्यूज, रेडियो जॉकी हंट का आयोजन किया गया गंगा रेजिडेंसी में। डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन की ओर से चेस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया डॉक्टर नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय में। और आगे बढ़ने के लिए पीछे हटना, तो आप सभी का इस प्रोग्राम में स्वागत है। और मिथिला की इस पावन धरती पे ये आयोजन को मैं एक विशेष रूप से देख रहा हूँ, क्योंकि ये खेल भावना के तहत उत्साह बढ़ाएगा और मेरी धर्मपत्नी अंजू रवि पटवा ने जो कहा कि चेज ऐसा गेम है जो हमें कभी जीतने के लिए भी पीछे हटना पड़ता है वो भी सिखाता है। तो जिंदगी की सभी बिसाते जो होती है वो चेज के द्वारा हम सीखते हैं। आगे बढ़ो, राजा को मारो, घोड़े को आगे बढ़ाओ, मैंने हर तरह की बातें हैं जो इस चेज हमें सिखाती है। ये चेज आज का नहीं है, भारत का बहुत ही पुरातन है। ये महाभारत में चौपड़ कहा जाता था, उसी का आधुनिक रूप चेज है। आई थिंक सो ये है। डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन और नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय रेडी आश्रय दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हो रही है। आज मैं महाविद्यालय परिवार और प्रभात दास फाउंडेशन दोनों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त
व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस मौके पर मुझे बुलाया और उद्घाटन करने का मौका दिया। मैं बताऊं कि इस महाविद्यालय से मेरा लगाव है, पूर्व से ही लगाव है, जैसे महादेव जी ने कहा। मैं बगल में प्रधानाचार्य ऋषि कुमार राय जी हैं, हमारे अनुज तुल्य हैं। महाविद्यालय को सरफराज आलम, बीटीएन न्यूज़।